मत बेचक बोलिए हम लोग तो पहुंच गए 8 बजे, यहाँ से गाड़ी छुट्टी 10 बजे। उसके बाद ना हम लोग का खाना का पता, ना पानी के पता, कुछ के भी पता नहीं है। 6 घंटा में तो रांची हम लोग को पहुँचा है, 6 घंटा में। उसके बाद जब वहाँ पहुँचे उतरे तो वहाँ भी हम लोग कैसे 2 घंटा वहाँ बैठे हुए, कोई आदमी नहीं, ना फोन उठा रहा है, ना कुछ कर रहा है। को रैली में ले जाया गया था, बोला गया था कि चलो कुछ पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। सुबह से हम लोग निकले, हम लोग को पानी तक नहीं मिला और अब तक हम लोग भूखे हैं। और भी बहुत लोग हैं, बेहोश हो गए। सुबह एक बच्चा इतना बड़ा था, वो भी बेहोश हो गया, ठीक है। और अब बोला गया, अभी फोन करके बोली कि तरीका से लीजिएगा आराम से तो पैसा मिलेगा, ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ से बोल के ले गया, मतलब लेकर गई थी, बोली ना नगर निगम का मीटिंग है, वहीं जाना है। तो बोले ठीक है, बोली सारा मतलब खाना पीना जो पैसा होगा वो दिया जाएगा। तो हम लोग के लिए बस आया खिरगांव में, वहाँ से 2 बस आई, तो 2 बस चली रांची के लिए। फिर वहाँ से क्या है ना, ये बड़का गांव का जो रास्ता है, बोला बड़का गांव आप लोग के लिए नाश्ता मिलेगा। तो सुबह यहाँ 10 बजे खुली गाड़ी, तो बोले बड़का गांव में जाएगा गाड़ी, वहाँ आधा घंटा रुकेगा, तो 10 बजे नाश्ता मिलेगा आप लोग, मतलब वहाँ पर बड़का गांव में आधे घंटे के लिए गाड़ी रुकेगी। तो फिर वहाँ गया तो फिर कोई मतलब नाश्ता वास्ता नहीं मिला। नहीं नहीं, देखिए ये जो आरोप लगाया गया है ये बेबुनियाद है, और बेबुनियाद है। और दूर दराज से जैसे जो भी गए हैं, इससे हम लोग, हमको खास करके कोई जानकारी नहीं है कि कौन महिला गई, कार्यकर्ता तो लोग जाते हैं लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जहाँ जो गई हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ गए हैं, उसमें भी देखिएगा आप लोग कि दूर दूर तक बस वहाँ रुकने जो बनाया गया था प्रभात तारा मैदान, हम लोग खुद वहाँ पहुँचे तो लेट लतीफ। और जहाँ महिला लोग का आरोप लगाया गया है कि पानी नहीं है, किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है, तो रोड में देखिए पानी उनी सब का व्यवस्था आदमी जाता है तो लेके जाता ही है। और जहाँ तक बोला गया है कि नहीं सो आपको व्यवस्था नहीं किया गया पानी का, या हम लोग खुद अपने अपने से जहाँ जो है पानी का कम से कम तो व्यवस्था हर जगह में रहता है।